होता है ना जैसे, यानी एट द एंड क्या हम आए थे रिजवान टिकटॉक बना रहे थे, अभी हम इनसे पूछने जा रहे हैं कि हम भी इनके टिकटॉक में हो सकते हैं कि नहीं। सर आप ही बोलिए। सर मुझे भूल गए, खत्म नहीं हो रहा। और अभी यहाँ पे हमने डीजे किया भी 2 मिनट पहले। मेरी डीजे का ऑडिशन हो रहा है, प्योर डेडिकेशन को। और हमें 5:30 से बुला के 8:48 होने, कुछ भी नहीं हुआ, लिटरल में कुछ भी नहीं हुआ। कई बार गाने लगे सब सर, मैं व्लॉग बना रहा हूँ। जब पिछले साल बनाया था किसी ने कहा था आपको भी लें व्लॉग, ये तो मस्त है ना, व्यूज ही चाहिए हमें, व्यूज चाहिए। हाय अल्लाह मेरे सदके जावां पे जान कुर्बान सी। इधर हेडबॉय की फेमस स्पीच चल रही है, मुझे वहाँ पे भूख लगी है। हमारी एंटरटेनमेंट गिर गई, हमें खुद बनानी पड़ी है। सर आज मैं खुद व्लॉग कर रहा हूँ आपके साथ, सही है? आप AS स्टूडेंट्स को खाना मिल रहा है यार, यार मुझे भी व्लॉग में शामिल नहीं करना। क्या
अस्सलाम वालेकुम, आप सुना है कैसे आओ जी आओ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। उन्होंने 9:30 का कहा था छुट्टी मिलेगी, अभी 10:07 हो रहा है, अभी खाना मिला। ये जो खाना ना, ये इस पूरे फेयरवेल की हाईलाइट थी, मतलब सबसे अच्छी फेयरवेल की चीज़ थी ये खाना ही है। ये हमारा हॉन्टेड सा स्कूल, अभी हम इसको कैसे करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, लेकिन क्योंकि हम शरीफ बच्चे हम कुछ नहीं करेंगे। मैं पहुँच गया, लेकिन इस बार फेयरवेल में कुछ खास मज़ा नहीं था। पिछली बार मैं गया नहीं था और इस बार इतना मज़ा नहीं था, क्योंकि 5 बजे बुला के 8 बजे शुरू कर रहे हैं और फिर 8 बजे के बाद भी कुछ खास नहीं हुआ। मतलब टैलेंट शो में 4-5 बच्चे होंगे, फिर उसके बाद म्यूज़िकल चेयर्स में घंटा लग गया, फिर खाना देके हमें फारिग कर दिया।